दूसरे दौरे की वार्ता भी रही बेनतीजा। आज सरकार और किसानों में बातचीत होने जा रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में आज बातचीत होगी, आज शाम 5 बजे हो सकती है बैठक। सरकार किसान संगठनों की तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। आपको बता दें कि 3 दिनों से लगातार किसान प्रोटेस्ट पर है और इसी के चलते दिल्ली को सील किया गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील किया गया, चाहे वो सिंगू हो, टिकरी हो, गाजीपुर हो, या तमाम बॉर्डर्स, उन सभी को सील कर दिया गया है। सभी किसानों की अपनी अपनी मांगे हैं। एमएसपी से संबंधित मांगे हो या फिर वो दूसरी मांगे हो, उन सभी के लिए किसान लगातार दिल्ली कूच का नारा ले रहे हैं और इसी के तहत लगातार रणनीति बना रहे हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, पिछले 2 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट जारी है। उस बीच आज प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है। तीसरे दिन जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन की सहायता ली जा रही है, अलग अलग जो यूनिट्स हैं, चाहे वो फोर्सेस की हुई, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हुई, उन सबकी डिप्लॉयमेंट की गई है। बैरिकेडिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी तरीके से शासन प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं किसानों ने भी अपनी अपनी रणनीति बना ली है। किसान भी अलग अलग रणनीतियों के साथ में सामने आ रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। हमने देखा कि आगजनी भी करने की कोशिश की गई, कई जगह पर टायर में आग लगाई गई। वहीं साथ साथ में बैरिकेडिंग्स को पुल से नीचे फेंकते हुए भी किसानों को देखा गया। अपनी मांगों को लेकर किसान बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं आज तीसरे दौर की बैठक,